मेरे पुत्र दा मैनू इंसाफ क्यों नहीं मिलिया, किस वास्ते कानून है, सानू इंसाफ नहीं मिल रहा, मैनू इंसाफ चाहिए ना, चाहिए सी गरीबां दा बच्चा नाल इतना जुल्म होया, कल नू किसी और के बच्चे साथ भी हो सकता है, किसी ने भी मेरे पे कोई तरस नहीं खाया, ये गरीब लोग ने तो नहीं किया। कोई फैर नहीं बजा वक्त शिद्दत नाल मारिया, बाद फैली करके बच्चा साडा मार दिया गया, बहुत ज्यादती की साडे नाल, बेदोस सा गुनाह वार नहीं सी साडा बच्चा, किसी कोई बच्ची बच्ची ते किसी ते नाल बात ही नहीं करता, छोटी सी बच्ची की जिनका इल्जाम ला रहे ने साडे पास, बाद फैली करके मारा, फिर उसकी एक आंख जाया की, मत्थे की हड्डी टूटी, ब्लेड मुंह पे मारे, सारे चेहरे पे ब्लेड मारे, बिस्किट को पहचान ना सके, पट टूटिया, मोढ़ा टूटिया, सज्जा बाजू टूटिया, अंगूठा टूटिया, दंद भी टूटे ने, दोनों बुल भी फटे ने, भी उनके चेहरा ना पहचान सकन, इतने मुंह पे काटे लगा, एक आंख भी जाया कर दी उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिसके एक बच्चे को जो 14 साल का बच्चा अगवा किया गया, तो उसको अगवा करने के बाद उसके साथ बदफेली की गई, बदफेली करने के बाद उसको मार दिया गया, ये सारा मामला कैसे हुआ और क्या मसला बना था, किस वजह से उन्होंने बच्चे को जो है ये निशाना बनाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएं कि तो तुहाडे बच्चे नु 14 साल दा तुहाडा बच्चा, तुहाडे बच्चे दा नाम की सी? दानिश अली। दानिश अली नाल की मामला सी जिहड़ा तुहाडे बच्चे नु ना जना मार दित्ता? अजीम दोस्त बनिया सी, गेमां दी दुकान सी, उत्थे दोस्त बनिया सी, ठीक है, दो दफा घरों बुलाण आया, मैं मना किया बच्चे अज तो बाद मेरे बच्चे नहीं बुलाण आना, दो तीन दिन बाद दानिश को गायब करके उन्होंने लोगों ने मार दिया, बद फैली करके मारा, फिर उसकी एक आंख जाया की, मत्थे की हड्डी टूटी, ब्लेड मुंह पे मारे, सारे चेहरे पे ब्लेड मारे, बिस्किट को पहचान ना सके, पट टूटिया, मोढ़ा टूटिया, सज्जा बाजू टूटिया, अंगूठा टूटिया, दंद भी टूटे ने, दोनों बुल भी फटे ने, भी उनके चेहरा ना पहचान सकन, इतने मुंह पे काटे लगा, एक आंख भी जाया कर दी उन्होंने। अच्छा माँ जी, तुम मैंने दसो कि किन्ने जने से, किन्ना किन्ना मारे? तारक, आरफ, नदीम, अजीम। अजीम इल्जान वाला है, इन दे दो चाचू ते इंदा वालद नाल मारने वाले ने मेरे बच्चे को, नाल बल फैली करने वाले हैं, इट्टां, कच दियां बोतलां, ब्लेड नाल मारिया गया मेरे बच्चे को, बहुत जुल्म कीता जी। तुसी कानूनी कार्रवाई कीती कोई? हाँ जी, असीं DGI दे पेश होए हां जी, झूंग ठाणे गए हां जी, उत्थे दरखास्त दित्ती है, उन्होंने 3-4 दिन तो पेश ही नहीं हुए जिन्होंने मेरे बच्चे को मारा, टाइम लेंदे रहे, अज आने कल आने, असी क्या भी साढ़े इन्ने दिन हो गए, बच्चा नहीं मिले, तुसी कोशिश करो, पुलिस आई, मैंने दिखाए ने बंदे, ए बंदे ने मेरे बच्चे ने, इन्होंने मैंने ख्वाब बचाया, मेरा बच्चा मेरे बच्चे ने बहुत जुल्म किया, बहुत मारिया उन्होंने, दशी कट लाए, कोई इंसाफ नहीं मिलिया उन्होंने को, वो एक दा ही नाम लेंदे ने, एक ने नहीं 4 जने ने मेरे बच्चे नु मारन वाले, गवाह करन वाला अजीम ही लेके गया है। फिर बच्चे मार दिता हो, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਨਾ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 7 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ, 7 ਵਜੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਸਰਦਾਰ ਟੋਨ ਰੈਵਨਿਊ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਬ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾਲ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਤਾਰਕ ਔਰ ਆਰਫ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ? ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਦਾਨਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸੀ, ਦਾਨਿਸ਼ 'ਚ ਇੰਝ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸਾਡੀ 7 ਸ
अजीम ने कहा भी मेरे दोस्तों ने दसिया तेरी भैन को दानिश खड़ा सी ते मैनू गैरत आई ते मैंने दानिश को मार दिया। अब तक कितने मुलजम जो उन्होंने पकड़ लिए? अजीम अजीम दे अब्बू नू आरफ नू तारक नू ते नदीम नदीम नू नदीम नू। अच्छा पुलिस ने पकड़ लिया? हां जी सारे पकड़ लेने जेल भेज दिए। अच्छा ओ की कहंदे ने के जी किन्ने बच्चा मारया? ओ कहंदे अजीम ने मारया जे उना दा बच्चा लेके गया सी। हां जी जेड़ा छोटा ना उंद जी उने कल्ले ने मारया। कल्ले ने नहीं मारया, चौं बंदियां दा काम है, चौं पंजां दा काम है, एक दा नहीं। जिन्ना बच्चे ने जशदद होया, जिन्ना उन्होंने जीबा किया गया, इन्ने कट इन्ना उन्होंने खून खराबा किया गया। नाज़रीन यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पूछना चाहता हूँ, अगर एक बंदा होता तो इतना कुछ नहीं कर सकता कि उसकी जो दिमाग की जो ना पहली फ्रंट वाली जो बोन होती है वो भी टूट गई हुई है, और जो टांग है वो भी टूट गई हुई है, ये जो ना ये सारी जो जितनी भी हड्डियाँ ना मतलब जिस्म के अंदर सारी तोड़ दी गई हुई। कोई फैर नहीं बजा हुआ, शिद्दत नाल मारिया, बाद फैली करके बच्चा साडा मार दिया गया। बहुत ज्यादा की थी साढ़े नाल, बेदोस गुनाहवार नहीं सी साडा बच्चा। किसी कोई बच्ची बच्ची थी किसी से नाल बात ही नहीं करता, छोटी सी बच्ची की जिनका अल्जाम ला रहे हैं साडे पास। पुलिस वाले तो की कहने तो तफ्तीशी ऑफिसर की कहने वो भी एक से गलते बिक गया जी, पैसे ले लेने उन्हें मुजरम पार्टी को, भी कहता नहीं इन्हें कल ही मारिया जी, साढ़े नाल कोई उन्हें तावन नहीं किया, कोई साडा इंसाफ नहीं उन्हें किया। फिर मुजरम चलान कर दिते ने, उन्होंने जमानत भी रखी बैठे ने, जमानत भी करा रहे ने। अपने कैमरे दी फिल्मां नहीं सानू विखा सकिया, मतलब सारा कुछ हर चीज नूं मतलब उन्हें हड़प कर लिया गा जी। डीजीआई साहब ये इन फैमिली का कहना है कि जी हमने अपना तफ्तीशी चेंज करना है, लेकिन हमने दरख्वास्त भी दी है डीआईजी ऑफिस में, तो आज तक जो हमें हमारा तफ्तीशी ऑफिसर चेंज नहीं हो सका, क्योंकि उस तफ्तीशी ऑफिसर ने पैसा खा लिया होगा, वो भी इनके कहने के बकौल कि जी उसने पैसा लिया है और उनके साथ मिल गया होगा। तो मेरी डीआईजी से ये दरख्वास्त है कि इनकी जो ना तफ्तीशी चेंज किया जाए, तफ्तीशी ऑफिसर चेंज किया जाए इनकी दरख्वास्त के मुताबिक, तो इनके जो ना अगर इनका बेटा बेगुनाह था तो उनको जो ना कैफरे करदा तक पहुँचाया जाए, उनको सजा मिले। इमरान साहब तो उत्थे भी बयान इन्हें उन्हें भी सुने, उन्हें कहने की तफ्तीश सही कर, फिर भी नहीं तफ्तीश उन्हें उनके सही की है। उनके सामने मान भी गए हैं भी हमने कतल किया है, और साडे दोस्त भी नाल है गए ने एसपी के सामने, जो ना मन्ने ने एसपी के सामने ऑफिसर से गए हैं ग्रीन टाउन में, उत्थे भी मन्ने ने जी असी मार दिया है, आज तिकरा नहीं सानू इंसाफ मिला। बड़ी अफसोस की बात है कि एक तो बंदा मुल्ज़िम जो है वो करार कर रहा है कि जी हमने मार दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इनको इंसाफ नहीं मिल रहा, ये कहाँ का इंसाफ है? इस वास्ते नहीं साडा इंसाफ हो सकता, गरीबां दी सुननी चाहिए, गरीबां दी क्यों नहीं सुन रहे? असीं मीना हो गया, कोई गल नहीं मां जी, असीं तुहाडे नाल जाने आंदे ने जी, तुहानू काल आवेगी, बोर्ड पवेगा, कदों बोर्ड पवेगा, जदों जमानतां करा लैणगे मेरे पुत्तर दा, मैनू इंसाफ क्यों नहीं मिलिया? किस वास्ते कानून है? सानू इंसाफ नहीं मिल रहा, मैनू इंसाफ चाहिए, इन्हां चौं बंदियां नूं फांसी होना चाहिए, इन्हां शरेआम गोली मारनी चाहिए। दरखास्त है सानू इंसाफ दे दिया जाए, साढ़े नाल बहुत ज्यादती हुई, बहुत ज्यादती, साडा बच्चा बाद फैली करके मार दिया गया। सीसीपी लाहौर साहब और मैं वज़ीर आज़म साहब से ये कहना चाहता हूँ कि इन फैमिली को जो ना इंसाफ जल्द से जल्द दिया जाए, अगर वो मुल्ज़िम इकरार कर रहे हैं तो फिर किस बात की देरी है? उनको इंसाफ कैसे मिलेगा, उनको सज़ा किस तरह मिलेगी? जब तक उनको सज़ा नहीं मिलेगी तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। तो बस ये मेरी अपील है हमारे जो ना आम देखने वाले लोगों को, लोगों से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें, दारों तक पहुंच जाए, ताकि वो इन फैमिली को जो इंसाफ मिल सके। सुनना चाहिए सी गरीबा का बच्चा, नाल इतना जुल्म होया, कल नु किसी और के बच्चे साथ भी हो सकता है, किसी ने भी मेरे पे कोई तरस नहीं खाया, ये गरीब लोग ने तो नहीं किया। मां जी इंशाल्लाह तुहानू इंसाफ मिलेगा, तो इन व्यूअर जितना हो सकता है इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि अदारों तक पहुंच सके। ये ना देखें कि जी इस चैनल को हम बड़ा करें, चैनल को बेशक ना बड़ा करें, लेकिन इन फैमिली को देखें कि इन फैमिली का साथ जो ना आप दे सकते हैं, मैं दे सकता हूँ, हम आम लोग दे सकते हैं, ताकि इनको इंसाफ मिल सके। तो इसी के साथ अपने दोस्त को इजाजत दीजिएगा, देखते रहें तुम पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।